मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, आज स्टार्ट करते हैं आपकी एक्सरसाइज 3.3, 3.2 तक तो आपके पास में पीडीएफ और वीडियो के थ्रू पहुंच चुका है मटेरियल। अब अपन 3.3 स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर प्राइम नंबर्स, लिस्ट ऑल प्राइम बिटवीन 1 एंड 20। यानी कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं ये अपन को बताना है, और 1 से 20 के बीच में कौन कौन से प्राइम नंबर्स होते हैं वो अपन को लिस्ट के थ्रू शो करना है। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो अ नंबर्स इज कॉल्ड प्राइम नंबर्स, एक नंबर प्राइम नंबर्स कहलाता है। इट हैज नो फैक्टर्स अदर देन 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, मतलब या तो वो नंबर है वो खुद और 1, दो के अलावा तीसरा कोई उसका फैक्टर्स नहीं होता। नंबर इटसेल्फ यानी नंबर खुद और 1 यानी कि टू ही होते हैं उसके फैक्टर्स, या तो वो नंबर खुद होता है या फिर 1। 1 क्यों होता है, क्योंकि 1 की टेबल क्या है, 1 में तो काउंटिंग्स में सारे नंबर्स आ सकते हैं, है ना, नेचुरल नंबर है। और जो नंबर है जैसे कि मान लीजिए 3 है, 3 किसी और टेबल में नहीं आ सकता, ठीक है। 5 है, 5 भी नहीं आ सकता किसी और टेबल में। 7 हुआ, 7 आ सकता है क्या, नहीं। 11, 13, 17, 19, ये सब 1 टू 20 के बीच की प्राइम नंबर्स हैं, जो कि सेल्फ फैक्टर्स उनके हो सकते हैं और दूसरा वो 1 उसका फैक्टर्स हो सकता है बस, उसके अलावा थर्ड कोई भी नंबर्स उसका फैक्टर नहीं हो सकता। तो ऐसे सारे नंबर्स प्राइम नंबर्स कहलाते हैं, वो प्राइम नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर्स, इट इज एन इवन नंबर। यानी कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर्स क्या होते हैं ये अपन को बताना है। तो द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर्स यानी कि नाम से ही अपन को समझ में आ रहा है, स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटे प्राइम नंबर्स कौन कौन से हो जाएंगे, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, है ना। और इवन प्राइम नंबर कौन सा है, 2, क्योंकि 2 भी एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि सेल्फ फैक्टर होते हैं उसके, 1 के टेबल में तो आ ही सकता है जैसा कि अभी बताया था, बट 2 किसी और के टेबल में नहीं आ सकता, ठीक है। तो ये इवन प्राइम नंबर है क्योंकि वो 2 इवन नंबर भी है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट आर ट्विन्स प्राइम्स, राइट ऑल पेयर्स ऑफ ट्विन प्राइम्स बिटवीन 40 एंड 100। अब अपन को डेफिनेशन देनी है ट्विन प्राइम की, ट्विन प्राइम्स क्या होते हैं और अपन को 40 से 100 के बीच में ट्विन्स प्राइम नंबर्स बताने हैं। तो ट्विन्स प्राइम्स क्या होते हैं, ट्विन्स का मीन्स क्या होता है, पेयर्स, किसी भी चीज़ का जोड़ा। तो टू प्राइम नंबर्स आर नॉन एज ट्विन प्राइम, ऐसे दो नंबर्स ट्विन प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। इफ देयर इज ओनली 1 कंपोजिट नंबर बिटवीन देयर पेयर्स ऑफ ट्विन प्राइम बिटवीन, मतलब कि दो नंबर आपस में कंपोजिट होते हैं, जुड़े हुए होते हैं दो नंबर्स का कॉम्बिनेशन, जो कि प्राइम नंबर्स भी होते हैं और ट्विन्स भी होते हैं। ट्विन्स का मीन्स होता है दो, या किसी चीज़ का पेयर या जोड़ा, है ना, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन उसकी कंडीशन क्या है कि वो प्राइम नंबर्स होना चाहिए। अपन को ट्विन्स बताना है, पेयर्स बताना है, तो इसका मीन्स ये नहीं कोई भी नंबर अपन ले सकते हैं, कोई भी नंबर नहीं लेना है अपन को, अपन को ऐसे ट्विन्स नंबर बताना है, यानी ऐसे नंबर का पेयर्स बताना है जो ट्विन्स तो हो, डबल हो, यानी दो डिजिट हो, लेकिन वो प्राइम नंबर भी हो, ये कंडीशन है। तो कौन कौन से हो जाएंगे 40 to 100 के बीच में, 51, 53, 55, 57, 71, 73, 75 एंड फोन आगे भी अपन ले सकते हैं। देखिए आपका आगे का जो क्वेश्चन है बेटा वो फ्लब्स है और नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ट्रू फॉल्स है। तो फ्लब्स और ट्रू फॉल्स आपके पास में
पीडीएफ के थ्रू फ्लक्स किए हुए पहुंच जाएंगे। अब अपन आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। नेक्स्ट एक्सरसाइज में अपन को फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है। तो डिवीजन मेथड से अपन को फैक्टराइजेशन करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपन ले लेंगे 3.4 एक्सरसाइज है ना, 3.4। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने एक्सरसाइज से नहीं लिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने एग्जाम्पल से लिया हुआ है, तो आप कंफ्यूज नहीं हो। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका फैक्टराइज, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फैक्टराइज 30। इसमें ध्यान रखिएगा आप कि इसमें एक तो लास्ट जो बाईस डिजिट होती है उसको देखा जाता है कि वो इवन है या ओड है। इवन है तो जाहिर सा सी बात है कि वो इवन नंबर से ही डिवाइड होगी, अगर ओड है तो वो ओड नंबर से डिवाइड होगी, ठीक है। सेकंड कि सबसे छोटी डिजिट दी जाती है, जब उससे डिवाइड नहीं हो पा रहा है तो फिर उससे बड़ी डिजिट लेते हैं, फिर उससे भी नहीं हो पा रहा तो उससे बड़ी डिजिट लेते हैं। तो ये मतलब जो असेंडिंग ऑर्डर्स में अपन बढ़ते जाते हैं, अपन को डिसेंडिंग या रैंडमली नहीं लेना है कि कोई सी भी डिजिट ले ली मन में आए, इस तरीके से नहीं लेना है। इसका भी एक रूल्स होता है, ठीक है। अब टू से अपन करते हैं, टू वन से टू, टू वन से टू, वन इधर गया तो कितने हो गए 12, टू सिक्स गया 12, देख लीजिए 5 या 10, 1 इधर के अंदर क्या हुआ 16, यानी कि 2 एड 16, 2 से फिर ले लीजिए 2 जब 4, 2 9 जब 18, एड 29 है। ये क्या है, प्राइम नंबर है, और अपन को पता है कि प्राइम नंबर या तो इटसेल्फ या फिर 1 से होता है, तो इसलिए इससे होगा 29, 29 मतलब 29। देख लीजिए क्या हुआ, इसके फैक्टर 2 into 2 into 2 into 2 जाएगा। लेकिन इसका मीन्स ये नहीं है कि आपको पीडीएफ में से कॉपी करना है और नोट डाउन कर लेना है फिर कॉपी में और कोई मेहनत नहीं करना। अब आपको मेथड पता चल ही चुका है वीडियो के थ्रू, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सेम मेथड का है। तो फर्स्टली आप उसको करने की कोशिश करेंगे, जब आपको नहीं आ पाए या आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है कि नहीं ये स्टेप नहीं हो पा रही है, तब आपको पीडीएफ की हेल्प लेना है। अब देखिए, अब आता है एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन प्राइम फैक्टराइजेशन हैज बीन डन, यानी कि नीचे चार एक्सप्रेशन दी हुई है बेटा आपको, तो इसमें से जो सही फैक्टर्स हैं तो वो आपको बताना है कि इनमें से सही कौन सा है और रॉन्ग कौन सा है, ठीक है। तो इसमें आएगा सी और डी, जो कि पीडीएफ के थ्रू आप तक पहुंच जाएगा। आप भी करने की कोशिश कीजिएगा, ये फैक्टराइजेशन मेथड ही उस पर अप्लाई करना है। सेकेंड है आपका डिटरमाइन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर, इनका प्राइम फैक्टराइजेशन अपन को निकालना है फॉलोइंग नंबर। ये है आपकी एक्सरसाइज का सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड का फर्स्ट ए 216, ठीक है। 216 का आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो फर्स्ट
गिवन नेम क्या दिया हुआ है आपको 216 जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन अपन को करना है, तो लिख देंगे 216 जैसा कि हमने बताया था कि फर्स्टली स्मॉल नंबर दिया जाता है और वंस नंबर देखा जाता है कि वो इवन है या ऑड है, तो ये इवन नंबर है टू से करके देखेंगे 2 1 2 0 टू एंड 16 उसी के लिए तो फाइव 10 4 8 देखिए क्या जाएगा 216 आंसर है आपका। सेकंड क्वेश्चन आपको कौन सा करना है, तो सेकंड क्वेश्चन आपको डी वाला करना है, 848 वाला, जो कि आप ही करेंगे और सेम मेथड रहेगा इसका भी। उसके बाद में आता है 3.5 एक्सरसाइज, फॉलोइंग नंबर्स बाय टू उसकी डायविजिबिलिटी टेस्ट करनी है आपको, टेस्ट बाय विजिबिलिटी। नंबर्स बाय डाई विजिबिलिटी चेक करने के लिए फर्स्ट अपन क्या देखते हैं कि वो इवन है या ऑड है। वो नंबर देख लीजिए आप, इवन है या ऑड, तो इवन नंबर्स की कैटेगरी में कौन कौन से आते हैं, जिसका कि जो वंस यानी कि के, ये फर्स्ट क्वेश्चन तो अभी लिखा ही नहीं है अपन ने, लिख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या है, ए वाला x/10, ठीक है। तो इसके लिए अपन को सबसे पहले क्या करना है, जो वंस डिजिट है उसको देखना है। अगर वो 0 2 4 6 और 8 है तो वो उसका मतलब यूनिट डिजिट अगर ये है तो वो आराम से 2 से डिवाइड हो सकते हैं, क्योंकि अपन को पता है ना कि 2 की जो टेबल होती है उसमें क्या क्या आता है, 2 4 6 8 10 12 12 14 16 18 20, तो अपन को चेक करनी है डायविजिबिलिटी, तो वो किसी उसमें आना चाहिए 2 की देखना है हमको, ठीक है। इसका वंस डिजिट क्या है, 0 है, तो अपन क्या लिख देंगे, क्या लिखेंगे अपन, बिनो देट बी नो देट नंबर इज the unit
हो सकता है या डिवाइड हो सकता है। अब सेकेंड है इसका बी वाला, जो आपको करना है सेम ऐसे ही रहेगा, ठीक है। बस उसमें आपको यूनिट डिजिट चेंज करना है, ये ध्यान दीजिएगा। उसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय 3। अभी अपन इवन नंबर का देख रहे थे, अब ओड नंबर का देखेंगे। ओड नंबर में थोड़ा सा डिफर है, बस माइनर चेंजेस आए हैं इसमें, और कुछ भी नहीं। इसमें अपन को तीन का देखना है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 7 0 3 3 5, ठीक है। इसमें फर्स्टली अपन क्या करेंगे कि जितने भी नंबर दिए हुए हैं इनको सबको ऐड करेंगे, सब हम आपको 8 से ठीक है। 7 + 0 + 3 + 3 + 5, देख लीजिए 7 + 3 कितना ऊपर 10, 10 + 3 = 5 = 18, ठीक है। अब 18 जो है वो 3 से डिवाइड हो सकता है क्या, 3 के टेबल में आता ही 18 आता है क्या, आता है 6 टाइम आता है ना, इसलिए अपन क्या लिखेंगे कि विच इज डिविजिबल बाय, which is divisible by 3। यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बी वाला, जो कि आपको करना है, सेम मेथड रहेगा, इवन और ऑड में थोड़ा सा डिफरेंस है जो कि मैंने आपको बता दिया है। सेकंड क्वेश्चन इसका और इवन वाले का, दोनों का आपको करके देखना है। अगर नहीं आए तो आप पीडीएफ की हेल्प ले सकते हैं, आपके पास में इसकी पीडीएफ पहुंच जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।